Assalamualaikum, good morning, good afternoon, my beautiful dears. Welcome to my channel. In today's vlog, I'll continue my story of Malam Jabba. So please grab your popcorns and karak chai and enjoy. So वहाँ से हम जीप करवा कर रिवर साइड पर गए और वहाँ का सफर बहुत एडवेंचरस रहा. Scenic views are awesome and beautiful because we can enjoy its magnificent mountains, lush green forests and running streams. क्लिप बना लेते हैं छोटा सा यहाँ पे सबके साथ. नहीं वो करेंगे अगर लोग नहीं तो होना और मस्जिद आते हैं आपके लिए. मैं तो खाब में देख भी रही थी. हम स्टिल होके खड़े हो जाएंगे. मैंने बना ली एक हरी पिपरा. हाँ आ गया. देखना यार अल्लाह ने क्या क्या अल्लाह की कुदरत है बेटे. देखो ये यहाँ का पहाड़ी बच्चा है जो हमें आगे लेके जा रहा है. ठीक है ना. बहादुर शेर है पाकिस्तान का ये. भाई थोड़ा चेहरा दिखाओगे बच्चा अपना. थोड़ा अपना चेहरा तो दिखाओ. चेहरा चेहरा दिखाओ अपना. ये देखो ये यहाँ का शेर है पहाड़ी शेर. और ये हमें यहाँ पे क्या कहते हैं वादी की सैर करा रहा है राशिद साहब. मोबाइल इज स्टिल ऑन वेंटिलेटर. एज यू कैन सी दैट इट्स पावर बैंक. तो आज से मैंने इसका नाम रखा है वेंटिलेटर. आई डोंट नो मोबाइल की चार्जिंग हालांकि फुल थी पर एकदम ही जो है वो ख़त्म हो गई विदाउट एनी रीज़न. उसको ठंड सर्दी लग गई क्या हुआ वी नेवर नो.
ये देखो भाई चाय बना के ले आया भाई, मेरा वो ब्लैक टी है ना वो नहीं है अभी ये पिएगा। नहीं भाई ऐसा तो नहीं बोलो। नहीं नहीं सही मैंने लाया बाजी के लिए। देखो भाई कितना अच्छा है मेरे लिए बगैर दूध के, लैक्टोज इंटॉलरेंस बट उसका भी यहाँ सब ख्याल होता है। काला पत्ती चाय मेरे लिए स्पेशल, अभी ये काली पत्ती वाला चाय और इसमें मैं डालूंगी एवरी डे। दैट इज नॉट इन स्पॉन्सर्ड वीडियो। प्राइस और ये साथ में देखो प्राइस भी लाया है भाई। देखो इधर कोई चाय ठंडी हो जाएगी, मेरी भी ठंडी हो जाएगी। रख मेरा एवरी डे मैं निकालूंगी। दो भाई गरम गरम चाय भाई ने बर्फ में रखा है। हाँ ना हमने बोला था। ये देखो छोटा बच्चा मैंने कैप्चर नहीं किया भाई। अगेन आप खुश हो जाए लेकिन हम खुश हो जाए। आप मेहमान है, आप मेहमान है मेहमान। स्नोफॉल और गरम गरम चाय, मसा दुबाला हो जाए, क्या बात। चाय और फ्रेंच फ्राइज एंजॉय करके वापसी का सफर स्टार्ट हुआ। बर्फबारी अपने जोरों शोर पर थी। ड्राइवर्स ने सेफ्टी के लिए टायर्स को चेन से कवर कर लिया था ताकि गाड़ी स्लिप ना हो। वहां से फिर हम रवाना हुए। ये आप देख सकते हैं कितनी बर्फबारी हो रही है। आई एम इन द स्नो। हम लोग कोई भी घर जाना नहीं चाह रहा लेकिन ये लोग हमें जबरदस्ती लेके जा रहे तो मालम जब्बा के सफर का इख्तिताम हुआ, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर मिलेंगे कलाम की स्टोरी के साथ। बुशरा को इजाजत दें, बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।